नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। समर्थकों के बीच हुई मारपीट, हल्दी बलिया थाना क्षेत्र के दोपही गांव में सब मतदान स्थल पर दो प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई मारपीट के मामले में एक पक्ष के गणेश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने 13 नामजद व 5 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। गणेश गुप्ता ने तहरीर में कहा है कि धारदार हथियार से मारपीट की गई। इसमें मोनू यादव 40 वर्षीय, पप्पू गुप्ता 38 वर्षीय, विट्टू गुप्ता 32 वर्षीय, अशोक यादव 45 वर्षीय व मनोज यादव 40 वर्षीय को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निवर्तमान प्रधान मोहन दुबे सहित 13 नामजद व 5-7 अज्ञात के विरुद्ध 147, 148, 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता, ग्राम दोपही, पोस्ट अगरौली, जिला बलिया। इस चुनाव में जो है मेरी पत्नी मारिया गुप्ता प्रधान पद की प्रत्याशी थी। जी किस प्रकार का आपके साथ घटना घटी है? ये जो है ऐसे तो ये लोग सुबह से ही हमारे जो विपक्षी पार्टी के लोग हमसे झगड़ा, मैंने कई बार वो लोग हमसे झगड़ा करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग जो है हम बरा रहे थे, उसमें झगड़ा हमको नहीं करना है। लेकिन शाम को 4 से 5 के बीच में ये जो लोग हैं पूरे हथियार और के साथ लैस हो करके हम लोगों पे और हमारे जो है समर्थक थे वहाँ पे उन लोगों पे ये जो है हमला कर दिए, जिसमें मेरे समर्थक जितने लोग भी हैं सभी लोग जो है घायल हुए हैं, किसी का कपार, काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं उन लोगों को। 2015 के चुनाव में जो मैं प्रत्याशी था उस समय भी मेरे साथ ये सब घटना घटी थी, मेरे साथ जो है मारपीट और भी बहुत सी घटना जो है हुई थी। इसके बावजूद मैंने जो है 20 अप्रैल 2021 को माननीय पुलिस अधीक्षक साहब का मिलकर कप्तान साहब को मैंने इस घटना से अवगत कराया था कि मेरे यहाँ जो है इस तरह की घटना घटेगी। मेरे अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया। ऐसे भी हमको धमकियाँ मिल रही कि आगे भी आपको जान से मार देंगे। हाँ, जब मैंने इस अवगत जो है मैं माननीय डीएम साहब को और कप्तान साहब को जो लिखित में जो है 20 अप्रैल को ये दोनों चीज़ मैंने वो अवगत कराया था कि इस तरह की घटना हमारे यहाँ घटेगी, क्योंकि केवल दो ही प्रत्याशी हमारे यहाँ थे। तो इस तरह से जो है मैं घोर लापरवाही जो कहूँगा कि प्रशासन के तरफ से हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी उन लोगों की तरफ से जो है यहाँ सकुशल व्यवस्था नहीं किया गया। जिम्मेदारी हाँ, जिम्मेदारी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हीं की लापरवाही से जो है ये घटना घटी है। क्या आपसे मांग है, क्या आप चाहते हैं? हम ये माननीय कप्तान साहब से चाहेंगे, मेरे कप्तान साहब से रिक्वेस्ट है, डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोषी हो उन लोगों का जो है उनके ऊपर FIR करके कार्रवाई किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 2 मई को मतगणना के दिन हमारे परिवार एवं समर्थकों की जान माल की खतरा है, कृपया सुरक्षा व्यवस्था देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो 26 अप्रैल 2021 को जो घटना घटी है उससे पहले ही मैंने 20 अप्रैल 2021 को माननीय कप्तान साहब को ऐसी घटना की संभावना जताई थी, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई जिससे ऐसी घटना घटी।